hello everyone welcome to apti plus academy for civil services this is a video on daily topic wise news analysis and the coverage of the news is from two important newspaper that is the hindu and indian express so let's get started with the news so today is 4th of july and these are the list of the topic that i'll be discussing with you so the first topic is emergency credit line guarantee scheme that is eclgs apart from this the other topic is indigenous vaccine against the covid-19

और जो ये न्यूज़ है आपको इंडियन एक्सप्रेस में आज के जो बेसिकली नेशनल न्यूज़पेपर है वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ टाइटल है न्यूज़ का न्यू गवर्नमेंट एम एस एम ई पोस्ट प्रोवाइडिंग क्रेडिट लाइन टू इंडिविजुअल इंटरप्रेनोर्स तो पूरे बेसिकली न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर और ये इनेबल करेगी जो इंडिविजुअल इंटरप्रेनोर्स हैं जिनकी जो टोटल पॉपुलेशन अभी एमएसएमई में बात की जाए तो 6.3 करोड़ के आसपास है राइट और जो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसमें बैंक्स क्या करेगी दे आर ऑफरिंग ऑलमोस्ट अप टू थ्री लाख करोड़ ऑफ गवर्नमेंट गारंटेड लोन्स सो अभी जो रिसेंट स्टिमुलस पैकेज दिया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है एंड गवर्नमेंट इज पू हार्ट की किस तरह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पूरी तरह से स्लो डाउन हो चुकी है उसमें कुछ रिवाइवल आ सके राइट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स है वो क्या है बेसिकली एक क्रेडिट लाइन बनाई गई है जहां पे कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉसिस के लिए जो कोविड 19 के बाद जो अनप्रिसडेड रिस्पांस देखी गई है इकोनमी में उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए जो हमारे मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एम सेक्टर जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिसको लघु उद्योग भी कहते हैं उस सारे सेक्टर्स से में किस तरह से रिवाइवल की जा सकती है उसको लेकर के ये स्कीम बनाई गई है और इस स्कीम के अंदर जितने भी बॉरवर्स होंगे उनको एक क्रेडिट दी जाएगी 25 करोड़ रुपीज़ के आसपास की जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास एनुअली है तो जिन कंपनियों की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है वो 25 करोड़ का क्रेडिट लाइन क्रेडिट ले सकते हैं राइट एंड दे वुल बी एलिजिबल फॉर द गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन और ये जो गारंटी ली जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाएगी राइट तो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी टेकिंग द गारंटी ऑफ दैट और जो स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी सारे लोन्स पे दैट आर सेंस अंडर द जी ई सी एल बेसिकली जो हमारी गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है उसके अंदर और जो पीरियड अनाउंस की गई है स्कीम का वो है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी से एंड टिल द अमाउंट ऑफ थ्री लाख करोड़ ही एंड अंडर द जी एस एल विच एवर इज अर्लियर तो ये थी स्कीम के बारे में नाउ इसकी पूरी एम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की तो स्कीम का जो पूरा जो मेन एम है इस टू मेटिगेट द इकोनॉमिक्स डिस जो हमारे इकोनॉमी में जिस तरह से बेसिकली डाउनफॉल आया जो जीडीपी डी की ओवरऑल ग्रोथ है क्योंकि सारे इमर्जिंग जो थिंक टैंक हैं उनका कहना है कि माइनस में भी ग्रोथ रेट जा सकती है और ग्लोबली फोर के आसपास ग्रोथ रेट माइनस में जाएगी दिस इज सम ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आई एम एफ हैजरेडी प्रोजेक्टेड तो यहाँ पे एम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक एडिशनल फंडिंग देने की बात

तो एन बी एफ सी का मैं एक दो छोटा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जैसे बजाज फिनसर्व है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक है या फिर आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी बेसिकली लोन्स लेंडिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ये सारी एन बी एफ सीज के अंदर आती है राइट एंड इट एम्स टू प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट ऑफ़ बेसिकली गारंटेड टू द एनी लॉसेस दैट इज़ सफेद ड्यू टू द नॉन रीपेमेंट ऑफ द बेसिकली जो गारंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन है जी एस सी एल है जो बॉवर्स लेते हैं तो ये ऑलरेडी बेसिकली फंडेड है दैट इज गारंटेड बाय द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जिसको जी ई भी कहते हैं न कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं कि बेसिकली जो चीज़ों को दिया गया है जो लोगों को क्रेडिट दी जा रही है उसमें कुछ लोगों की लिमिटेशंस हैं क्योंकि जो 80 टू 90 परसेंट जो एमएसएमई में जो लोग काम कर रहे हैं जो इंटरप्रेनॉर्स हैं जो नए इंटरप्रेनोर्स हैं वो बेसिकली कौन है वो ट्रक ड्राइवर्स हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स ओनर्स हैं टैक्सी ड्राइवर्स हैं शॉप ओनर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है दे आर नॉट रजिस्टर्ड एट द एम तो क्या उन लोगों को अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ही लोन आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अभी के प्रेजेंट के जो क्राइटेरिया है उसमें वो फुलफिल नहीं करते और उनको कोई भी एडिशनल लोन नहीं दिया जा सकता इस स्कीम के अंदर तो क्या इस स्कीम में कुछ जो इंडिविजुअल एलिजिबल लोग हैं जो एलिजिबल है इस चीज के लिए उनको बेसिकली टू पॉइंट थ्री सिक्स लाख कस्टमर्स ऐसे हैं और टू पॉइंट टू फाइव लाख इंडिविजुअल ऐसे कस्टमर हैं जो कि इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है एंड वेरियस एम एस एम ई एसोसिएशन जो है हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो एसोसिएशन हैं जो इंडस्ट्री चैंबर हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट नीड टू मेक इंटरप्रनोरल एंड आल्सो एलिजिबल बॉर्वर अंडर द स्कीम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन तो बेसिकली हमने एक इंपॉर्टेंट इशू भी कवर किया है जो कोवैक्सीन है उसको लेकर के आप उस पर एक स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं तो इस पर अभी एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि फिफ्टीन ऑफ अगस्त को जो वैक्सीन है वो आई लॉन्च करेगी इंडिया में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड अभी पूरे विश्व में कहीं भी वैक्सीन लॉन्च नहीं की गई है तो इंडिया वुड बी फर्स्ट कंट्री जो कि कमर्शली पर्पज से वैक्सीन को लॉन्च करेगी तो ये आपके प्रुलम्प्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात करें जनरल स्टडीज़ के लिए तो जनरल स्टडीज़ पेपर थ्री में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट तो इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन तो पहली फर्स्ट मैन मेड कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो कि जो स्टिपुलेटेड है जो टाइम डिसाइड की गई है वो 15 अगस्त की की गई है कोवैक्सीन है आपने इसको बारे में न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा होगा का। कोवैक्सीन हैज़बिन डेवलप्ड बाय भा है? भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो हेडकोर्टर हैदराबाद में इन्होंने और भी बहुत सारी रेपूटेड बेसिकली जो ड्रग्स बनाया हुआ है तो उसमें जेन है और भी रोटा है ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया आप जो मेरी पिछले सीरीज़ हैं जहाँ पे मैंने को वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया है उसको आप देख लें भारत बायोटेक के बारे में भी मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया नाउ द अर्ली डेटा ऑन द वैक्सीन वेदर इट इज सेफ और नॉट हैज़ टू बी टेक अन अदर कोर्स ऑफ एक्शन इसमें अभी थोड़ी चीज़ें और होनी है जो कि फिफ्टींथ अगस्त uh, तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो डायरेक्टर जनरल जो आई सी एम आर है उन्होंने कहा कि जब ट्वेल्थ हॉस्पिटल को उन्होंने अप्रूवल दिया है कि टू एक्सपीडेट द वैक्सीन टेस्टिंग प्रोसेस तो स्टिल दे आर सम अदर प्रोसेस विच टू बी गो बिफोर द वैक्सीन इज कमर्शियली अवेलेबल टू द पेशेंट्स बात करें जो वैक्सीन है जो कैंडिडेट वैक्सीन जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक डेवलप कर रही है और जो अप्रूवल है इनको डीसीजीआई की तरफ से मिल चुका था ट्वेंटी नाइन्थ जून को ही जब इन्होंने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ट्रायल का कंप्लीट किया था राइट और ट्रायल वाज डन ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल्स दैट मीन फॉर टेस्ट द वैक्सीन दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन प्रोड्यूसर प्रोटेक्टिव एंड एंटीबायोटिक्स जो वैक्सीन है दैट इज डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ सार्स कोफ टू या कोविड नाइन्टीन या कोरोना वायरस एक ही चीज़ है दैट इज आइसोलेटेड बाय द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे तो जो हमारी एनआईवी है उसने इसका स्ट्रेन डेवलप किया और वहां से ये सारी चीजें वैक्सीन डेवलप हो रही है एंड एन इज वन ऑफ द एपिक्स बॉडी इन टर्म्स ऑफ द वायरोलॉजी स्टडीज इन इंडिया और जो आई है और जो भारत बायोटेक है दे आर ज्वाइंटली वर्किंग फॉर द प्री क्लिनिकल एज वेल एज द क्लिनिकल डेवलपमेंट इन दिस वैक्सीन तो ये दोनों मिलकर काम कर रही है and the time has already been set for 15th of August. Let's see, hope for the best. कि 15 August तक और ये commercially आएगी market में और बिना doctor के recommendation के लोग इसको ले नहीं पाएंगे. So there another uh, government के बाद कुछ और regulations भी इसमें देगी कि किस तरह से इस vaccines को लोगों को सारे पूरे India में सब को vaccinate कैसे करना है. ना कुछ other vaccines की बात करें globally. तो दो तीन वैक्सीन्स और बन रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्रा नाम से वैक्सीन बनाने वो बना रहे हैं और मॉर्डेना नाम से वैक्सीन बन रही है जो कि फ्रंट रनर में है दे आर बोथ स्टिल रनिंग इन द फेज ऑफ कमर्शियल लॉन्च अब स्टिल दे आर नॉट लॉन्च अभी इंडिया के बाद देखते हैं ये चीज़ें लॉन्च होती कि नहीं और जो एस्ट्रा जेंका है दे हैव स्टार्टेड फेज थ्री ह्यूमन ट्रायल और जो मॉर्डेना वैक्सीन है दैट इज स्टिल टू स्टार्ट द ह्यूमन ट्रायल इन दिस मंथ सो इंडिया इज लीडिंग इन द वर्ल्ड और अभी हमारी जब अगर फिफ्टी को लॉन्च हो जाती है फिफ्टी अगस्त को तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द कोविड नाइन्टीन वैक्सीन न बात करें डीलिंग विद द सिंगल यूज प्लास्टिक आप इस न्यूज़ को आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट परपजेस से तो प्रलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के लिए जनरल स्टडीज़ के पेपर थ्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो अभी कोविड नाइन्टीन के टाइम पे बेसिकली हुआ क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन इंपॉर्टेंट कंसर्न जो रेज़ हुए हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द एस यू पी एस यू पी स्टैंड फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक और पेंडेमिक के टाइम में ये ज़रूरी है कि किस तरह से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उससे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसके तरफ क्या एक सस्टेनेबल वे आउट होना चाहिए क्या कंक्लूसिव डिसीजन होनी चाहिए गवर्नमेंट की ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम किया जा सके और बैंड तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बन रही है कोविड नाइन्टीन में प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के चाहे वो ग्लव्स हो सैनिटाइजर्स हो और सारी चीज़ों बट सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे पोस्ट कोविड के बाद बैंड करेंगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो सर्ज इन डिमांड के बारे में अगर बात करें तो प्लास्टिक की डिमांड बढ़ी है जो नॉन रिसाइकेबल आइटम्स हैं जैसे प्लास्टिक लैंड मास्क हो गए ग्लव्स हो गए हैंड सैनिटाइजर्स बॉटल्स हैं दे आर अगेन इन द डिमांड और इन जो इनकी डिमांड है वो बढ़ी है ड्यू टू पेंडेमिक जो कोविड नाइन्टीन है उसके वजह से सो देयर हैज़ बीन अ स्टीप इंक्रीज इन डे टू डे आइटम्स सच एज़ प्लास्टिक बैग्स एंड डिलीवरी पैकिंग क्योंकि बेसिकली अगर आप रेस्टोरेंट में भी देखोगे तो वहाँ पे डिलीवरी सिटिंग अलाउड नहीं है डिलीवरी दी जा रही है और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी पैकिंग्स ही अलाउड है तो उस चीज को लेकर के जो प्लास्टिक की जो डिमांड है वो काफ़ी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड द एसेंशियल शॉर्ट टर्म नीड्स फॉर द हेल्थ सैनिटेशन एंड द फ्रंट लाइन वर्कर फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स दे आर टेकिंग तो यहाँ पर भी इन लोगों ने भी बेसिकली प्लास्टिक यूजेज में बहुत हद तक द डिमांड हैज़ इंक्रीजेज फ्राम दिस सेक्टर एज वेल But what about the environmental impact? But इसके environment impact के पे बारे में बात करें, तो तो किस तरह से we could come up with the conclusion, जहां पे जो है है। है उसको कम किया जा सकता so तो ज़रूरत हमें वेट नहीं करना कि कोविड नाइन्टीन खत्म हो उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैंड की जाएगी अभी से कुछ एक ऐसा सिचुएशन एक ऐसा डिसीजन uh, लेने की जरूरत है जहाँ पे हम धीरे धीरे ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैंड कर सकते हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं रिपोर्ट्स जो मैंने men, की हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है बेसिकली कि जो ग्लोबली है 350 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है दैट इज ओवर दिक्सटी परसेंट ऑफ रिसाइकल्ड राइट इतने प्लास्टिक हम जनरेट uh, करते हैं और जो डब्ल्यू की एस्टिमेट है उसके मुताबिक एटी मिलियन जो मास्क हैं 60 मिलियन ग्लव्स ईच मंथ दैट इज बिंग जनरेटेड तो द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेन जनरेटेड इज मच हायर देन दैट ऑफ द एस्टिमेट जो मैकेसी ने जो कहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है मेकेसकी की अगर बात करूं तो ये बहुत ही रिपोर्टेड फर्म है जो कि बेसिकली एस्टिमेट्स देती है ग्लोबली और इनके जो भी एस्टिमेट्स होते हैं वो काफ़ी करेक्ट माने जाते हैं तो इनके रिपोर्ट्स को ध्यान देने की जरूरत है ताकि सरकार इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी पॉलिसी फार्मूलेट कर सके न कुछ प्लास्टिक के रेगुलेशन हैं बिफोर कोविड नाइन्टीन जो रेगुलेशन थे उसके बारे में आपको मैं बता दूँ तो प्री कोरोना वायरस के टाइम में से पहले ही नेशन और बेसिकली कुछ प्रोग्राम हैंडल हो रहे थे प्लास्टिक को लेकर के इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 थी जो कि ऑलरेडी अपडेट हो चुकी थी 2018 के अमेंडमेंट के बाद और अगर बात करें ग्लोबली दूसरे कंट्रीज़ में तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एसेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था और उन्होंने बैंड भी लगाया था बट अभी जैसा सिचुएशन है उसको देखते हुए प्लास्टिक की यूज़ बढ़ी है और रिसेंटली इन सेप्टेम्बर टू इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे बैनर था जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को लेकर के बहुत सारे प्लास्टिक्स को कलेक्ट किए गए थे सराउंडिंग में और सुटेबल तक लोकल अथॉरिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे से पार्टिसिपेंट हुई थी और जो भी प्लास्टिक्स थे उसको ख़त्म किया गया था राइट तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑलरेडी थे इसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन के साथ ताकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैंड कर पाए इंडिया में और क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है तो वे फॉरवर्ड है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि किस तरह से इफेक्टिव तरीके से हम चीजों को मैनेज करें एंड वी नीड टू कंज्यूम एंड केयर अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट वैल्यू वेल्यूचन यूजिंग द पावर टू चेंज द एग्जिस्टिंग अनसिस्टेबल अप्रोच और अभी जो प्रेजेंट में जो ज़रूरी है वर्तमान में जो ज़रूरी है दैट इज़ टू डिक्लेयर द ओपन डिफेक्शन जो हमारी अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिनको ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किया गया है बट इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो फेज़ टू है जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी फैसिलिटेट किया गया है तो सरकार को इसको भी देखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ जो ऑलरेडी पॉलिसी जो इन प्लेस है वो किसी तरह से हिंड्रेंस ना हो और साथ के साथ कुछ जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे प्रेजेंट के लिए वो है रिफ्यूज़ रिड्यूस री यूज एंड रीसाइकिल तो ये चार चीज़ों पर जो फोर आर है इस पर काम करने की जरूरत है देन ओनली वी कैन ओवरकम द सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड राइट न लास्ट टॉपिक इस कस्टोडियल वॉयलेंस ये न्यूज आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं बेसिकली हिंदी में पढ़ सकते हैं और यह एडिटोरियल पे यहाँ पे बहुत जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर के बात की गई है जो वायलेंस हो रही है जो कस्टोडियल वायलेंस है उसके बारे में चेन्नई में जो रीसेंट इंसिडेंट हुई है उसके बारे में आपको बताऊं और ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर फोर जो इथिक्स की पेपर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो रिसेंट डेथ जो फादर और सन की तमिलनाडु में हुई थी जूरिंग द कस्टोडियल उनकी कस्टडी पुलिस कस्टडी में हुई है तो वो है बहुत ज़्यादा एंगर पूरे इंडिया में है और एक लेजिस्लेशन की मांग की जा रही है कि अगर किसी कस्टडी में किसी भी बेसिकली अगर जो जो शक में किसी को अगर विटनेस पुलिस ने अरेस्ट किया अगर उनकी डेथ हो जाती है तो, तो पुलिस मैन शुड बी चार्ज विद द क्रिमिनल ऑफेंसेस राइट तो कस्टडियन वायलेंस इज़ प्राइमली रेफर टू द वायलेंस जहाँ पे पुलिस जुडिशियल कस्टडी में किसी भी चीज़ों से या तो उनकी डेथ होती है रेप होती है टॉर्चर किया जाता है ये सारी चीज़ें कस्टोडियल वायलेंस के अंदर आती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो एन की जो डेटा है उनके मुताबिक 2008-2001 से 2018 के बीच में सिर्फ 26 सिक्स पुलिस मैन कन्विक्टेड फॉर द कस्टोडियल वायलेंस। डिस्पाइट वन हंड्रेड रिपोर्टेड इन द इंडिया आप सोच सकते हो सत्रह केस में सिर्फ छब्बीस पुलिस वाले को अभी तक कन्विक्ट किया गया है ना रीजन्स बिहेज द कस्टोडियल वॉयेंस क्या है क्योंकि जो हमारी जो हमारे पास एंटी चार्चर जो लेजिस्लेशन है वो नहीं है जिसकी वजह से पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और जो एक्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेती है जिस वजह से जो 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 नहीं भी हैं जो दोषी नहीं भी है उनको इसका सजा लेना पड़ता है एंड द इंटायर प्रिजन सिस्टम इज इनहेरिटली ओपे गिविंग द लेस रूम ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो लेजिस्लेशन नहीं होने की वजह से पुलिस अपने हिसाब से डील कर रही है और उनको बेसिकली दे आर नॉट ऑल्सो बिन पनिश्ड। तो यूज़ ऑफ जो एक्सेसिव फोर्स है इंक्लूडिंग द टॉर्चर ऑफ द टारगेट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है यहाँ पे बेसिकली पार्टिसिपेट जो आइडियोलॉजी है जो स्टेट की जो परसिवस स्ट्रेचर्स हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि स्टेट ने भी अपने तरफ से कोई स्ट्रिजेंट एक्शन नहीं लिया है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है तो जब तक ये चीज़ें इनप्लेस नहीं होगी देयर देर नथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प द पुलिस मैन एज वेल एज द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली द ऑफेंसिव ऑफ द क्राइम राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट right में कुछ चीज़ें बताई गई है जैसे आर्टिकल ट्वेंटी वन है जहाँ राइट टू लाइफ है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इस, इसके बारे में जिक्र है कि भाई राइट टू लाइफ है आप किसी भी इंडिविजुअल को डिग्निटी है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करें एंड द राइट टू कौंसल इज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी टू वन ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन वन है जो सी सी की उसको भी अमेंड की गई थी ताकि जो लोग ऑलरेडी फिजिकली कन्विक्टेड नहीं है या जो इनोसेंट है उनको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले राइट right? और क्या करने की ज़रूरत है बेसिकली हमें जो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है जो यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट टॉर्चर है इसको बेसिकली रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी अरेस्ट डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट में लोगों की अगर डेथ होती है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जा सकते हैं पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे प्रॉपर फॉर्मोलेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है लोगों को पुलिस मैन को बेसिकली स्पेसिफिकली ताकि वो जो क्रिमिनल्स हैं जो जिन्होंने डिटेन किया जिन लोगों को उसको सही तरीके से डील कर सकें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होने की जरूरत है पुलिस स्टेशन में या इंट्रोगेशन रूम में ताकि एक एक्चुअल सिचुएशन का पता चल सके और सरप्राइज इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए नॉन ऑफिशियल विजिटर्स होने चाहिए ताकि एक प्रिवेंटरी मेजर्स के तौर पर यह सारी चीजें कस्टोडियल टॉर्चर पर काम करेगी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन टू सेवेंटी थर्ड रिपोर्ट है उनके मुताबिक अगर किसी भी पुलिस मैन पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्सेज में किसी कोस्टोडियल टॉर्चर की वजह से अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हुई है जो कि निर्दोष है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जाएगी जो कि मेयरली अभी इस्टेब्लिश हो सकती है डिटोरेंट के तौर पर तो सरकार को जो टू सेवेंटी थ्री रिपोर्ट है ये भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है तो वॉट नीड टू बी डन ये आपके मीनस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर कोई सवाल आए तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं और मैं बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और शाम छः बजे तक आप हमें आंसर भेज सकते हैं और जो भी आप आंसर सेंड करेंगे उसकी इवैल्यूएशन आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी न बढ़ते हैं अपने कल के आंसर्स की तरफ तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है डी तो बेसिकली जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है अ ग्रीन बॉन्ड इज इशूड

who later come to be known as the Swami Vivekananda, spread the Ramakrishna message and tried to reconcile it to the needs of the contemporary Indian society and he emerged as a preacher of new Hinduism. So, second statement of obi correct, Vivekananda was a great humanist, Who used the Ramkishan Mission to humanitarian relief and the social work? And the mission was for the religious social reform. Vivekanand advocated for the doctrine of services or service for the well beings. So, explanation आपके लिए काफी important है। अगर कोई इसी segment पे दूसरे सवाल भी आए, तो उसको आप आराम से handle कर पाएंगे। Now MCQ सवाल की तरह आज की तरफ, तो पहला सवाल economy के तरह है। uh, Consider the following statement with regards to marginal cost of funding based lending rate, जिसको MC L R भी कहते हैं। सो इट इज अ मिनिम इंटरेस्टेड फॉर द बैंक बिलो विच इट के नॉट लैंड और इट एम्स टू इम्प्रूव द ट्रांजेक्शन पॉलिसी ऑफ़ द रेट इन्क्लूडिंग द लैंडिंग रेट ऑफ द पैक्स तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन है ए बी सी या फिर डी सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर डू पार्टिसिपेट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि पता चल पाए कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन इज फ्राम द मॉर्डन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस द कांग्रेस हैड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस एंड इट वॉज हेल्ड इन लाहौर सो दिस इज वेरी ईजी क्वेश्चन अगर आपने एन सी आर टी पढ़ा है तो आप बहुत ही आराम से उसको कवर कर पाएंगे स्टेटमेंट वन टू वन एंड टू और नन ऑफ दैम वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर डू लेटर्स नो यूर आंसर इन दमेंट्स डाउन बिलो एंड मैं ये बता दूँ कि मॉक टेस्ट सीरीज जहाँ पर टोटल ट्वेंटी फाइव टेस्ट हैं और uh, से पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को पूरा कंप्लीट करें एंड बिफोर यू गेट टू द रियल एग्जामिनेशन यू नीड टू बी थॉर विद द कॉन्सेप्ट सो दिस विल हेल्प यू टू गेट यू नो टू गेट द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इसको आप अवेल करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज को प्रिलिम्स आपके बेसिकली फोर्थ ऑफ अक्टूबर के लिए शेड्यूल है उससे पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब सब्सक्राइबर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशन मिल जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल है और अगर कोई भी कंसर्न हो तो मैं जरूर बताएं विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ विश यू ऑल द बेस्ट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच